निजारे थाने में आई है लेकिन कोई मेरे दरवाजे नहीं आओ। कन्नौज में एक युवक का अपहरण करने के बाद हत्या कर दी गई है। हत्या का कारण पुरानी रंजिश बताया जा रहा है। मृतक की विधवा मां इकलौता सहारा छिन जाने के बाद बदहवास हो गई है। विधवा मां ने पुलिस पर लापरवाही का आरोप लगाते हुए हत्यारोपियों पर कोई कार्यवाही न करने की बात कही है। पुलिस अधीक्षक ऑफिस पहुंचकर पीड़िता ने न्याय की फरियाद की है। अभी हमें कुछ भी नहीं मिला, जिस चीज पे हम लेके कहीं जाए आए तो बिल्कुल पुलिस शांत बैठ रही है। अरे दैया रे, उसकी या तो कोई मदद कर रहा है, हम का बताएं, मेरा बेटा चलो गो पलो पलाओ। अरे दैया रे, अरे दैया रे, जने कहा बाजी हो धनजी दादपुआ मेरे लड़का को मार के। पुलिस अधीक्षक ऑफिस में इंसाफ मांगने पहुंची तिरवा कोतवाली क्षेत्र के फगुहा भट्ट गांव की विधवा किरण बाथम का कहना है कि 19 सितंबर की रात गांव का ही धनजीत और दीपू बहाने से 20 वर्षीय बेटे सचिन को बुलाकर ले गए। दूसरे दिन घायल अवस्था में वह पास के गांव में पड़ा मिला। कानपुर में इलाज के दौरान सचिन की मौत हो गई। बेटे की हत्या का आरोप लगाते हुए मां ने धनजीत और उसके भाइयों के खिलाफ तिरवा कोतवाली में मुकदमा दर्ज कराया है। बेटा गंवाने वाली मां ने तिरवा पुलिस पर हत्यारों को छोड़ने का आरोप लगाया है। न्याय की आस में पीड़िता ने पुलिस अधीक्षक के दरबार पहुंचकर फरियाद लगाई है। पंजौरा न्यूज के लिए कन्नौज से मुजाहिद मजीदी की रिपोर्ट। अगर आपको ये रिपोर्ट पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि हर अपडेट का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। साथ ही लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। जुड़े रहिए अपने शहरों की खबरों के संसार के साथ, पंचौरा न्यूज़ के साथ।